दोस्तों यह है 2024 मॉडल किया की सोनेट एसटीएक्स 1.0 टर्बो इंजन वाली सबसे ज़्यादा पावर पिकअप और माइलेज वाले, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है टर्बो इंजन की। तो टर्बो इंजन है 1000 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ 6 गियर के साथ। अभी फ्रंट से आप लुक देख रहे हैं, ये ऑल ब्लैक कलर है जो कि कलर तो भाई सबसे गजब का है। यहाँ पर आपको किया की 3D वाली सिल्वर बेजिंग मिल जाती है, सबसे गजब का स्टिकर रहता है। और यहाँ पर पूरा ये सिल्वर फिनिशिंग मिलता है इसके नीचे साइड पे, और किया की जो सेल्टास आती है वो अपर साइड पे भी रहता है। इसके अंदर आपका LED वाले पूरे DRS मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाएगा, ये इसका DRL रहेगा। LED इसके अंदर आपका लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर फॉग लैंप भी आपका LED में, यहाँ पर ये आपका क्रोम फिनिशिंग रहेगा। और उसके बाद इसके अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर आगे मिल जाता है और पीछे भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लाइट का सेटअप आप देखिए। इसके अंदर आपको 4 डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग इसके अंदर आता है, सेफ्टी में सबसे ज़्यादा ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ। तो ये चीज़ भाई आपको किया कि सबसे ज़्यादा एंट्री लेवल यानी बेस वेरिएंट से ही 4 डिस्क ब्रेक मिलेगा और 6 एयरबैग मिलेंगे सेफ्टी में सबसे आगे। बम्पर आप देखते हैं सामने डुअल टोन फिनिशिंग के साथ है इस तरह से, और सामने का लुक आपको इस तरह से मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए यानी कि जो है बजट के अंदर कम पैसे में सबसे बढ़िया कार, तो किया की सोनेट लीजिए। सेफ्टी भी अच्छी मिलेगी, मजबूती भी, और लुक वाइज सबसे बड़ी रहती है। बलेनो से भी ये कंपटीशन करती है, टाटा पंच से, और मारुति सुजुकी में अगर आप जाते हैं तो सीधा ब्रेजा से इसका कंपेयर होने वाला है, और बलेनो से भी, और टाटा की पंच में। और दूसरी बात दोस्तों, नेक्सान से भी इसका कंपेयर कर सकते हो आप। उन सभी में आपको ये कार पसंद है या आपको वो पसंद है कमेंट ज़रूर करना। सेंटर पे किया की बेजिंग, अपोलो के ट्यूबलेस टायर, मैकुइल आपको डायमंड कट में मिल जाती है, 16 इंच की इसके अंदर आपको एलो हील देखने को मिलेगी, डिस्क ब्रेक आगे और पीछे भी मिलेगा। और ये देखिए आप पूरे ये फाइबरिंग किया गया है नीचे से आप देखते हैं पूरा, ताकि धूल कचड़ा लगे तो ये जंग ना लगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेसरीज देखिए पूरा यहाँ पर ये लगाया गया है, क्रोम फिनिशिंग, यहाँ पर सोनेट का भी ब्रांडिंग किया का यहाँ पर आपका मिलेगा। यहाँ पर आपका इसका जो हैंडल डोर है वो बॉडी कलर पर रहेगा। यहाँ पर आपका पूरा ये क्रोम फिनिशिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। अपर साइड का डोर वाइजर भी आपको डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलेगा। ये रहा इसका ORVM जो कि LED इंडिकेटर और डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा। ये देखिए गजब, 2 वाशर इसके अंदर आपको फ्रंट पर मिलेंगे, और इसका ग्लास देख सकते हैं सामने से। और ये रहा ORVM, और ये देखिए आप व्हील इसके अपोलो के टायर जो कि 4 डिस्क ब्रेक, 4 मैकुइल आपको डायमंड कट में रहेगी, 215x60 का टायर है, 16 इंच की। यहाँ पर भी आपका सेम ससरी लगाया गया है। डुअल का हैंडल देखिए, यहाँ पर भी देखिए किया का बेजिंग, पीछे भी देख सकते हैं आप डिस्क ब्रेक ABS के साथ अपोलो के टायर। अब रियर में आप ये पूरा क्रोम फिनिशिंग देखने वाले हैं, ये देखिए। और ये देखिए किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024। तो किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 में अगर आप देखना चाहोगे तो ये रहा मॉडल, वही है नया का नया, जो कि कनेक्टिंग DRL इसके अंदर आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा कनेक्टिंग DRL आपका रहेगा, ये देखिए पूरा इस तरह से देख रहे हो आप। इसके अंदर आपको ये ब्रेक लाइट है, ये इंडिकेटर है, ये पूरा LED कनेक्टिंग रहेगा। यहाँ पर किया का ज़बरदस्त बैजिंग जैसा कि फ्रंट पर देखा, स्पॉइलर पर आपको यहाँ पर हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प एंटीना देख सकते हैं। और ये सूरत किया का ये शोरूम है, जो कि किया सूरत है, कबीलपुर नवसारी गुजरात में है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए क्रोम फिनिशिंग इस तरह से रहेगा, देख रहे हो आप ये पूरा इस तरह से। यहाँ पे सोनेट का ज़बरदस्त स्टिकर और ब्रांडिंग मिलेगा, यहाँ पर आपका पूरा क्रोम फिनिशिंग। पीछे आपको एक सेंसर पार्किंग का दिया गया है, और यहाँ पर आपका 2 पार्किंग सेंसर दिया गया, यानी कि 2 ही पीछे आपको मिलेगा। TGDI मॉडल यहाँ पर आपका लिखा मिलेगा, यहाँ पर पूरा क्रोम फिनिशिंग। पीछे आपको 360 कैमरा भी मिल जाएगा, गजब। बम्पर पर आपको रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपका लाइट, यहाँ पर ये देखिए पूरा सेटअप इस तरह से दिखने को मिलेगा, ये देखिए गजब। कैसी लग रही है भाई किया सोनेट, वो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो भाई सबसे ज़्यादा पसंद है ये कार, और अच्छी की अच्छी भी दिखती है। ये देखिए आप, सेफ्टी में सबसे खास बात है कि इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखोगे भाई तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर, यानी 45 लीटर इसके अंदर पेट्रोल आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ बूट स्पेस, ये देखो 385 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है, देख सकते हो तो गहराई इसकी, देखो बूट स्पेस एकदम अच्छा सच्चा, लाइट भी आपको मिलेगी किया सेल्टास जैसा, ये देखो पूरा बूट स्पेस देख रहे हो। इसके अंदर आपका पूरा ये किट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पूरा क्रोम फिनिशिंग मिलेगा, ये देखो यहाँ पर कोई चीज़ टांग भी सकते हैं 3 किलो तक। और यहाँ पर देखिए पार्टी करना है तो यहाँ पर आप कोई चीज़ रख सकते हैं, ये देखिए ठीक है। और अब हम इसको बंद कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए अंदर। और ये आपका फॉग लैंप भी यहाँ पर दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, ये पूरा रहेगा, आगे आपको फॉग लैंप मिल ही रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर आपका, चलिए एंट्री लेते हैं अंदर, और अंदर का आप डोर पहले देख लो, ये रहा
ड्राइवर के साइड वाला, यहाँ पर आपका लेदर फिनिशिंग, यहाँ पर स्पेस, यह आप विंडो कंट्रोल कर सकते हैं, यह आपका हैंडल है, और यहाँ पर ट्विटर, यहाँ पर स्पीकर, यह आप जैसे बोतल हर एक चीज़ रखने की जगह, एसी बेंट जो है वो सेल्टास हो चाहे सोनेट, ये आपका जरूर देता है सिल्वर फिनिशिंग, ये अच्छा लगता है इसका एयरबैग। यहाँ पर ये देखिए स्पेस, और ये इसकी चाबी, चाबी देखो मेरे हाथ में ही है, ये देखिए की का इसका कवर है, और बाकी की आपको इस तरह से मिलती है, देख रहे हो एकदम गजब। यहाँ पर आप इस चीज़ खोल सकते हैं, लॉक अनलॉक सारा सेटअप दिया गया है। अब इसके अंदर अगर आप सीट देखोगे तो सीट आपको लेदर और डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलेगी। ये देखो आर्म रेस्ट भी इसके अंदर दिया गया है, सिक्स गियर मिलेंगे, 1000 cc का टर्बो पेट्रोल इंजन रहेगा। ये आपका है हैंडल बार। माइलेज की बात करें तो 18 से 20 का माइलेज देने वाली है ये कार, 18 से 20 का। पावर पिकअप सब कुछ आपका रहेगा, 1000 cc इसके अंदर आपका पेट्रोल इंजन है, GDI 998 cc। मैक्सिमम जो पावर है इसके अंदर आपका वो 88 kW का है 6000 rpm पे, और मैक्सिमम जो टार्क है 172 Nm पे 1500 से 4000 rpm पर। ये गजब का रहेगा, सिक्स गियर आपको मिल जाएंगे, माइलेज आपका 18 से 20 का देने वाली है, बढ़िया चलाओगे तो भाई हमारे जैसा। अभी यहाँ पर देखो ये सिक्स गियर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो जो है सिस्टम देखो, यहाँ पर जो ये चीज़ है, यहाँ पर देखो सिल्वर फिनिशिंग गियर बॉक्स का, यहाँ पर आपका पियानो फिनिशिंग, डुअल टोन, टाइप सी, USB 12 वोल्ट सॉकेट, और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट इसके अंदर दिखे, ये आप देखते हैं ये ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट रहेगा। यहाँ पर AC ऑन, ऑटोमेटिक अभी ऑफ किया हूँ। अब यहाँ पर देखो ये हैजर्ड बटन है, AC वेंट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो डुअल टोन फिनिशिंग है, कलर आप खुद देख रहे हैं, 8 इंच का इसके अंदर आपका इंफोटेनमेंट क्लस्टर मिलता है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड प्ले। स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं ये आपका कॉल मिसकॉल म्यूजिक कंट्रोल, उधर आपका जो है इसके अंदर आप देखते हैं क्रूज कंट्रोल आपका रहेगा, सोनेट के यहाँ बेजिंग डी कट में स्टीयरिंग, वो भी डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। ये आप देखते हैं ये आपका पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग रहेगा, देखो आप ये पूरा सेटअप, डैशबोर्ड, ये रहा सनरूफ, सनरूफ के साथ मिलेगा। यहाँ पर ये लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये आप सनरूफ देख सकते हैं, अभी उधर से ऑन करता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, और पीछे आपको इस तरह से स्पेस मिलता है, ये देखिए आप सीट, तो सीट आपको पीछे भी बढ़िया मिलेगी, डोर आप देखो, स्पीकर, बोतल, रियर में भी AC वेंट आपको मिल जाएगा, टाइप सी की 2 चार्जिंग, फ़ोन भी रख सकते हो। ये देखिए आप पूरा, ये देखिए यहाँ पर आपका सनरूफ, लाइट पीछे देखो, यहाँ पर ये चीज़ आप रख सकते हो, देखो ये गजब का चीज़ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा इसका, ये भी पीछे का डोर इस तरह से रहेगा, एकदम मस्त। आप चलो दूसरी साइड से दिखाता हूँ, अब ये देखिए आप यहाँ पर इसका जो डोर है वो इस तरह से आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, आपके डोर के पूरे कंट्रोल। अभी आपको इसके डोर पे इतने सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ट्विटर, स्पीकर के साथ, यहाँ पर देखिए बोतल रखने की भी जगह स्पेस, यहाँ पर ये आपका लेदर फिनिशिंग, यहाँ पर आपको ये विंडो को कंट्रोल, लॉक अनलॉक सब कर सकते हैं, यहाँ पर डोर का हैंडल का आपका सिल्वर बेजिंग रहेगा जो कि किया आपको सब में देता है। यहाँ पर AC वेंट देखिए आप, इंजन पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से जैसे ऑन करेंगे हम इस तरह से, ये देखिए आपका मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग, इधर आपका फ्यूल, और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर RPM, और डिजिटल रहेगा स्पीड इसका। ये देखिए पूरा सेटअप इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये रहा इसका स्टीयरिंग, ये देखिए स्टीयरिंग इस तरह से रहेगी क्रूज कंट्रोल के साथ, यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, यहाँ पर आपका डिफोगर वाशर, यहाँ पर आप देखते हैं इसका 8 इंच का पूरा इंफोटेनमेंट क्लस्टर रहेगा, AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, पूरा सेटअप देखो, यहाँ पर क्लच ब्रेक, ये ऑटोमेट जो है मैनुअल रहेगा, ठीक है। ये IMT इंजन है, इसके अंदर आपको क्लच का सिस्टम रहेगा, ठीक है, क्लच से आप इसी से काम ले सकते हैं, इसी से आपको क्लच ब्रेक का इसी से काम मिलेगा, ठीक है। ये सेटअप रहेगा, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप रहेगा, ये देखिए पूरा। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके अंदर आपका क्लच नहीं आता है कि क्लच दबाओ फिर गियर लगाओ, गियर ऐसे ही आप डाल दो, ये गजब का सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। तो ये रहा इसका सनरूफ, ये देखिए खुल गया, देखा। अब यहाँ पर इस तरह से हम सनरूफ को बंद भी कर सकते हैं, देखा, ये पूरा इस तरह से रहेगा। तो अभी चलो हम बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की, कि क्या प्राइस में ये आती है। यहाँ पर देखो ये सोनेट लिखा मिलेगा, एक्सेसरीज में आएगा पूरी कार। और अभी चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। देखिए इसकी जो प्राइस है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो मॉडल है ये STX है, IMT, ठीक है। इसकी कीमत है 13,33,096 रुपये, यानी 13,33,000। ऑन रोड प्राइस नवसारी गुजरात का है। बेस वेरिएंट लेंगे तो 12,30,192 रुपये में पड़ेगा। टॉप मॉडल किया सोनेट अगर आप लेंगे एक्स लाइन, तो वो 15,21,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, और इससे भी एक्स लाइन लेंगे तो और महंगा जाएगा। इसका जो वेरिएंट है इसमें आपको टॉप मॉडल 15-21 का पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।